पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों को घेर कर उनकी गाड़ी पर पथराव, मारपीट, जानमाल की धमकी देने तथा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न करने जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत होने तथा विपक्षी द्वारा कृत अपराध गुंडा एक्ट की धारा 2 की परिधि के अंतर्गत आने के कारण जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के 11 अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है, जिसमें थाना जगह के ग्राम बरही के राकेश पुत्र रामाश्रय, दीपक उर्फ पन्नेलाल पुत्र स्वर्गीय हीरा, संजय धोबी पुत्र स्वर्गीय हीरा, फकरुद्दीन पुत्र कुर्बान, आकाश पुत्र प्रेम शर्मा, दिनेश चौरसिया पुत्र राधेश्याम, निजामुद्दीन पुत्र कुर्बान, संतोष पुत्र गुलाब, ऋषि चौरसिया पुत्र रामाज्ञा, विनय रावत पुत्र प्रेम नारायण तथा धर्मेंद्र तिवारी पुत्र राम नगीना शामिल हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा। जैसे आप जानते हैं कि निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत, आगामी चुनावों के दृष्टिगत की जा रही हैं, उसी सिलसिले में जो पंचायत चुनावों में उपद्रव पैदा किया था और उसमें चुनाव प्रक्रिया को, शांति व्यवस्थाओं को भंग करने का प्रयास किया गया था, उनको जिला बदर नियमानुसार किया गया है। इसी तरह हम शस्त्र निरस्त्रीकरण की कार्रवाई, गुंडा गैंगस्टर में आच्छादित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 14(1) में कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है, भू माफियाओं के खिलाफ शासन की मंशानुरूप दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, अतिक्रमण हटाने का अभियान भी की जा रही है और साथ ही साथ जितने भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ 110(g) की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जो बड़े मामले हैं जहां भूमि विवाद या अन्य प्रकरण चल रहे हैं उसमें निरोधात्मक कार्रवाइयां, पाबंदियां भी की जा रही हैं और अगर किसी तरह की कृत्य की जाती है तो मुचलका जब्त भी किया जाएगा 122 में। इस तरह का प्रक्रिया करते हुए सभी मजिस्ट्रेट्स, पुलिस, थाना, CEOs द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता ना हो।